गाइस वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैं आज लेके आई हूँ कि नई रेसिपी। तो आज बनाऊंगी अंडा का करी। तो अंडा की करी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने अंडा बॉईल करके रख ली हूँ, तो मुझे जितना चाहिए था उस हिसाब से रख ली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, मेरा जो अंडे हैं तो अंडे में थोड़ा थोड़ा ये फूटा कर देंगे, इसलिए जो ये छीटा ना पड़े हमारे फ्राई करने के समय। तो जैसे कि छीटा पड़ता है फ्राई करने के समय तेल से जाने से, तो यहाँ देखिए मैं फूटा कर दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे भी कर देने से अच्छा होता है, तो यहाँ देखिए ऐसे भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए अंडे को ऐसे ही कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करती हूँ, अंडे को तो साइड में कर देती हूँ और यहाँ देखिए उसके लिए मसाला रेडी कर रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं ले रखी हूँ 12 एक टमाटर, एक प्याज, यहाँ पर लाल मिर्ची सूखा हुआ, एक लहसुन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा दालचीनी। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो ये मसाले को मैं मिक्सी के जार में पहले पेस्ट बना लेती हूँ, फिर अंडा करी बनाने के लिए चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं मसाला का पेस्ट बना ली हूँ। तो अब चलिए ये मेरा अंडा जो बनाने के लिए, इसको चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कढ़ाई बिठा रखी हूँ, कढ़ाई में डाली हूँ ऑयल। ऑयल को क्या कर रही हूँ, अच्छे से गर्म होने देती हूँ, ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो ऑयल में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। और जैसे कि फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ और यहाँ थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा अंडा है अंडे को डालूंगी। यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आधा अंडे को फ्राई कर रही हूँ, आधे बाद में कर लूँगी क्योंकि एक साथ नहीं करूँगी, इसलिए पहले मैं आधे को कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स इसको हिलाते हिलाते इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा मेरे अंडे को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको इस टाइप के रखना है। यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे कर ली हूँ इस टाइप के, तो मैं क्या करी इसको निकाल लेती हूँ अंडे को। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर फ्राई हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा जो ऑयल है तो बहुत है, इसमें और नहीं डालूंगी। तो यहाँ देखिए मैं ले रखी हूँ एक प्याज जिसे मैं बारीक काट ली हूँ लंबे लंबे, और एक तेजपत्ता, मैं एक तेजपत्ता डालूंगी और ये प्याज। अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्याज को बेसी देर नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट ही पकाइएगा क्योंकि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगी, जो मसाला का पेस्ट बनाई हूँ वो डाल दूंगी। देखिए मेरा गोल्डन हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा पेस्ट बनाए हैं पेस्ट को डाल देती हूँ। मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि आगे भी मैं मिर्ची दी थी, तो हमारे घर में तीखा बहुत खाते हैं इसलिए। और मैं क्या करूँगी फिर, मैं आगे तो नमक दी थी तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मसाले को 2 से 3 मिनट अच्छे से हाई गैस पर इसको सेक लेती हूँ, जो मेरा मसाला सिके और साइड साइड से अच्छे से ऑयल छोड़ देगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा मसाला अच्छे से पक गया है, 2 से 3 मिनट में मसाला को पकाई हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं फ्रेंड्स क्या करूँगी, मिक्सी को जार को धो के इसमें पानी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे और पानी चाहिए क्योंकि पानी बहुत कम है, तो यहाँ देखिए मैं और पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, इसको हाई गैस पर पहले क्या करें, जो मेरा ये ग्रेवी है तो ग्रेवी को पकने देती हूँ, फिर मैं इसमें अंडे डालूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक गया है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा जो अंडा है तो अंडे को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, ये डाल दी हूँ, तब इसको क्या कर रही हूँ, जो मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं इसको हाई गैस पर 2 मिनट ही पकाऊंगी, बेसी नहीं पकाऊंगी, जो मेरा ग्रेवी
इतना होके पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करी उसको 2 मिनट हाई गैस पर पका लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा अंडा करी बन के रेडी है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए कलर कितना प्यारा आए हैं। और यहाँ देखिए मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए और नहीं चाहिए। आपको यदि चाहिए तो इससे बेसी तो और थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, मुझे इतना ही चाहिए। और सुखाना होगा तो थोड़ा सा सुखा लीजिएगा। तो मेरा ये सब्जी बन के रेडी है अंडा करी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको प्याले में खाली कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा अंडा करी बन के रेडी है। फ्रेंड्स आप इसको चावल के साथ, पुलाव के साथ, पराठा के साथ, कुछ भी के साथ खा सकती हैं, रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मेरी वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।